नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए रोज की तरह एक चेक ले लें आज शेयर बाजार में क्या हुआ। रजत चुग रहे हैं। सुबह से ही मार्केट पे खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ टेंशन खत्म हुई ऐसा नहीं कह सकते। अभी भी हो सकता है कि हाई लेवल पे बिकवाली ही हो, लेकिन आज पार्टिसिपेशन था स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से भी। 7 दिन की गिरावट पे ब्रेक लगता हुआ नजर आया। इसके अलावा जब बाजार बंद होने वाला था उससे कुछ ही समय पहले ACC के नतीजे आ गए और साथ ही हिडलबर्ग सीमेंट के नतीजे, दोनों ही बेहतर थे। इम्पैक्ट डाल गया, आज पूरा ही सीमेंट पैक एकदम से एक्टिव हो गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, रियलिटी, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी तो थी ही, लेकिन कुछ सेक्टर्स लीड कर रहे थे जिसमें फार्मा, IT, केमिकल, NBFCs, ये कुछ ऐसे शेयर्स थे जहां पर आज पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा देखने को मिला। और एक लिस्टिंग है थी आज गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की, क्लोजिंग बेसिस पे 13-14% की बढ़त इस स्टॉक पे देखने को मिली। इसके अलावा गिरावट IOC क्योंकि डिविडेंड एडजस्टमेंट था। इसके अलावा अरविंदो फार्मा, पावर ग्रिड और NTPC जैसे स्टॉक्स स्लिप होते हुए नजर आए, लेकिन गिरावट का क्वांटम कम था आज के सत्र में तेजी के मुकाबले। सीमेंट पैक सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था आज। ACC, प्रिज्म सीमेंट, हेडलबर्ग और इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स रिटर्न्स देखिए 5-9% के ब्रैकेट में लाया कर रहे थे। इसके अलावा NBFC जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस शामिल था, साथ साथ मैग्मा, फिनकॉप, L&T फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लोअर लेवल से कंस्ट्रक्शन शेयर्स चल पड़े आज जिसमें पटेल इंजीनियरिंग लीड करता हुआ नजर आया, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स और रियल्टी स्पेस में पूर्वांकरा और पेनिनसुला लैंड में रिटर्न्स बहुत शार्प थे, 7-10% की तेजी। फार्मा स्पेस जिसमें बार बार कह रहा हूं आज अच्छी तेजी बन रही थी अक्रॉस द बोर्ड। छोटे मझोले स्टॉक चढ़े, मोरपेन लैब्स, FDC स्टॉक्स, लेकिन तेजी सन फार्मा और सिप्ला, रियल एक्शन था सन फार्मा में 6% तेजी टैरो के खराब नंबर्स के बावजूद। इसके अलावा IT शेयर्स जिसमें इंफोसिस, L&T इंफोटेक और KPIT, जेनेसिस जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम स्ट्रांग था, अच्छे रिटर्न्स मिले। और केमिकल स्टॉक्स नहीं भूल सकते, लोअर लेवल से आज बहुत स्मार्टली गेन कर रहे थे। एज अ होल अच्छी खरीदारी GHCL, पंजाब केमिकल्स, एक्सेल इंडस्ट्रीज में हुई और ऑटो एंसिलरी, ऑटो लाइट, ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज और सुब्रो जैसे स्टॉक्स तेज थे। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, 100 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त, लेकिन अभी भी हायर लेवल पे हो सकता है कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को। चलिए धन्यवाद रजत। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी आज की एक्सपर्ट हैं श्वेता जैन, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। पहले दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लक्ष्मी नारायण जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मी आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 35 है। 35, चलिए आपने अपना सवाल भी हमें भेजा है। 2 महीने पहले आपने निवेश करना शुरू कर दिया और 45,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, लमसम किया आपने, राइट? यस यस, लमसम किया जी। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा SIP का भी रूट अपनाइए क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल है बाजार, है ना? एक्चुअली मैंने यही देखा था कि मेरे को इस कंडीशन में मार्केट के अंदर और पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए। आप तो लंबी अवधि के लिए देखिए, इतनी अच्छी तरह से आपने अपने गोल भी हमें भेजे हैं, 10-20 साल तक के आपके गोल हैं, कुछ 10 साल बाद, कुछ 15 साल बाद, कुछ 21 साल बाद। तो ये जो उतार चढ़ाव होते हैं बाजार के, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि पिछले 20-25 साल का आप टाइम होराइजन ले लीजिए, जब ऐसे कई उतार चढ़ाव आए और रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं इक्विटी बाजार ने, तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना चाहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन SIP से क्या होता है, आपकी जो वॉलिटिलिटी है उसका इफेक्ट कम हो जाता है आपकी पोर्टफोलियो पर, तो लमसम की बजाय SIP का रूट भी आप अपना सकते हैं। श्वेता, ये 3 स्कीम्स हैं जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है और आगे भी इनको और इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर इनके गोल हम देखें, टोटल 2 करोड़ चाहिए इनको 10-20 साल के इंटरवल में। जी, स्कीम्स इन्होंने जो चूज़ किए हैं वो अच्छी स्कीम्स हैं, बट इन्होंने जो स्कीम्स चूज़ किए वो थोड़ा सा मिड कैप की तरफ ज़्यादा एलोकेशन है। जो मेरे एसेट अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें भी मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ये नेक्स्ट अगर कभी जो स्कीम ऐड करे तो थोड़ा लार्ज कैप स्कीम ऐड करे, जैसे ICICI फोकस ब्लू चिप, तो उससे क्या होगा कि इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा संतुलन बना रहेगा। इनका जो गोल है 2 करोड़ का, 20 साल में अगर इनको 2 करोड़ पहुंचना है तो 20,000 रुपये हर महीने अगर ये निवेश करें तो 20 साल में वहां तक पहुंच सकते हैं। 30 लाख 10 साल बाद जो इनको चाहिए उसके लिए 13,000 रुपये पर मंथ, और 30 लाख जो 15 साल बाद चाहिए दूसरे बेटे के एजुकेशन के लिए
वो 6,000 रुपये पर मंथ निवेश करना चाहिए इनको, और 40 लाख जो इनको 21 साल बाद चाहिए उसके लिए 3,500 रुपये पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा। हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाता है निवेश करने की अमाउंट जो है हमारी रिक्वायरमेंट वो कम होती जाती है। तो मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने गोल्स के लिए ये जितना जल्दी हो उतना SIP जल्दी शुरू करें। इन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए अगर कभी इनके पास लमसम हो तो लिक्विड फंड में डाल के उससे STP इक्विटी फंड्स में इन्हीं फंड्स में कर सकते हैं। STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है, SIP की तरह ही काम करता है। श्वेता, जाहिर सी बात है जैसे लक्ष्मी नारायण जी भी चिंतित हैं, जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में गिरावट दिखी, कई निवेशक होंगे जो चिंतित होंगे, और जैसे इनका सवाल था कि क्या इक्विटी में निवेश करना भी चाहिए कि नहीं, डर तो हो ही जाता है जब आप देखते हैं कि इस तरह की गिरावट होती है, लेकिन सभी दर्शकों को आप क्या कहेंगे इस वक्त कि क्या करना चाहिए? जी, दर्शकों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे मार्केट बढ़ता जाए तब सबको इन्वेस्टमेंट करना होता है। हमारी एडवाइस उल्टी होती है, जब मार्केट गिरे तब इनको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, और SIP एक बेहतरीन वे है इन्वेस्ट करने का। हर मंथ ये इन्वेस्ट करते हैं तो जो इनका कॉस्ट है वो एवरेज आउट होता जाता है। तो अभी जैसे मार्केट अगर गिरा है तो जो इनको पहले 100 रुपये में चीज़ मिल रही थी वो आज अगर 90 रुपये में मिल रही है तो इनको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं कि बाहर सेल लगी होती है, तो अभी उतनी सेल नहीं है, बट अगर मार्केट गिरा है तो इनको निवेश करना कंटिन्यू करना चाहिए, SIP बिल्कुल नहीं बंद करें। मेरी सब दर्शकों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ इनसे ही नहीं, सबसे रिक्वेस्ट है कि SIP जब मार्केट बढ़ रहा था तब हम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जब मार्केट गिर रहा है तब बिल्कुल बंद नहीं करें, अपनी नज़रें अपने गोल पे ही रखें और मंथली इन्वेस्ट करते रहें। चलिए अब सुशांत जेना जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुशांत, गुड इवनिंग। इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस ऑल गुड जी। आपने भी 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, दिसंबर 2017 से शुरुआत कर दी आपने, राइट? यस जी। और टोटल आप इसमें अभी 6,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली डाउन हुआ था मार्केट, उसमें मैंने 20,000 इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट किया हूँ तीनों फंड में मिला के। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, कम से कम गिरावट में भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है सुशांत, सुन के अच्छा लगता है। और जैसे अभी श्वेता कह भी रही थी कि जब गिरावट हो तभी करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि आपको जो आपने SIP का रूट चुना है उसी रूट को अपनाते रहिए, क्योंकि जब गिरावट होती है तो फिर आपको और यूनिट्स मिल जाते हैं और आपकी जो है कॉस्ट एवरेज हो जाती है, क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि यही गिरावट इतनी काफ़ी है या और होगा, ये टाइम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका गोल 10 साल का है, 20 लाख रुपए चाहिए आपको। श्वेता, क्या बताएंगे आप इनको? जी, इनका गोल जो है 20 लाख जो इनको चाहिए उसके लिए 9,000 रुपीज पर मंथ इनको निवेश करना चाहिए, तो ये वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि 20,000 इन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है, अगर इनके पास एक्स्ट्रा 50,000 से 1,00,000 रुपए पड़े थे तो उसमें से एक पार्ट निवेश किया है अब तो ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट और गिरेगा तो इनको फिर लिक्विडिटी चाहिए होगी वापस उसका एडवांटेज लेने के लिए। मैं ऐसे टाइम करना रेकमेंड नहीं करूँगी, अपना SIP चालू रखें, और अगर आपके पास एक टाइम लमसम इन्वेस्ट करने के लिए जैसे 1,00,000 रुपए है तो ऐसे फॉल में आप 20% उसको निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वरना अगर सारा जो हमारे पास लिक्विडिटी होता है सब उसमें डाल दें तो फिर जब और गिरेगा मार्केट, और अगर गिरेगा तो हमको फिर लगता है कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, तो टाइम कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि SIP के तौर पर इन्वेस्ट करते रहें, और वही इन्वेस्ट करें जो इनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 20,000 अभी इन्वेस्ट किया है वो 6 महीने या साल भर के लिए ही करें, वो भी ये 10 साल के ही के लिए ही निवेश करें। जी, एक ईमेल भी आया हमको संजीव कुमार शर्मा का, ये कहते हैं कि ये एक SIP शुरू करना चाहते हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें एक लार्ज कैप हो, एक मिड कैप हो और एक स्मॉल कैप हो। इन्होंने 4 से 5 स्कीम्स चुनी है, और ये 4 स्कीम्स चुनी है, कहते हैं कि 4 से 5 फंड में ये 500-500 रुपये लगाना चाहते हैं।
जो इन्होंने चुनी है चार स्कीम्स, वो हैं SBI ब्लू चिप, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर, HDFC ग्रोथ फंड और कोटक महिंद्रा फंड। अब इसमें कौन सा फंड है ये नहीं लिखा इन्होंने। 3 से 5 साल का ही है इनका टाइम होराइजन, ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 to 5 years है। और ये कहते हैं कि इनमें से कौन सी स्कीम्स आपको अच्छी लगती हैं, किन में ये निवेश शुरू कर सकते हैं। जी, ये जो स्कीम इन्होंने चूज़ किया चारों, इनका पास्ट परफॉर्मेंस देख के चूज़ किए ये मुझे लग रहा है। SBI ब्लू चिप अभी बहुत बड़ा फंड हो गया है, HDFC ग्रोथ फंड भी काफ़ी बड़ा फंड हो गया है, और L&T इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। कोटक सेलेक्ट फोकस एक फंड है जो मैं रेकमेंड करूँगी, और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप रेकमेंड करूँगी मैं। ये दो जो स्कीम्स हैं ये इनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर दे सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें ज़्यादा स्कीम्स ले, तभी वो वेल डाइवर्सिफाइड होती है। दो स्कीम्स से भी जो अभी ये पैसा डालना चाहते हैं उसके लिए दो स्कीम्स बहुत है, और इनको मैं निवेश करने के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगी। जी चलिए, अब पंजाब से वरिंदर कुमार जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार वरिंदर जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। जी, आप 36 साल के हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपके गोल बहुत तय हैं, आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2025-26 तक आपको 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, राइट? जी सर। जी, और कुछ SIPs आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, SBI ब्लू चिप ग्रोथ में आप डाल रहे हैं 1500 रुपये पिछले 3 महीने से, HDFC इक्विटी ग्रोथ में आप डाल रहे हैं 1000 रुपये पिछले 9 महीने से, और HDFC बैलेंस्ड फंड की जो स्कीम है उसमें आप डाल रहे हैं 1000 रुपये पिछले 9 महीने से, राइट? जी सर। अभी और कितना आप निवेश कर सकते हैं? सर 5-6000 प्लस कर सकता हूँ सर। और कर सकते हैं पर मंथ का, राइट? जी। यही सर मैंने कंफर्म करना है, कितना और इन्वेस्ट करूँ मैं 12 लाख तक पहुँचने के लिए। हाँ जी सर। जी ओके। श्वेता, सवाल बहुत स्ट्रेट है इनका, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, हाल ही में की है, 3 स्कीम्स के थ्रू कर रहे हैं, 12 लाख का गोल है 2025-26 यानी 7 से 8 साल में, कितना और इनको इन्वेस्ट करना है, और अगर करना है तो क्या इन्हीं 3 स्कीम्स में करें या कोई और चुने? जी, इनका जो 12 लाख का गोल है उसके लिए इनको 9500 रुपये पर मंथ निवेश करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इनको बढ़ाना पड़ेगा, बट जैसे इन्होंने कहा 6000 ये और डाल सकते हैं, तो 9500 उस गोल के लिए हो जाएगा। इनको इनकी जो स्कीम्स मैं देखती हूँ, SBI ब्लू चिप ये कंटिन्यू कर सकते हैं, HDFC बैलेंस्ड फंड भी कंटिन्यू कर सकते हैं, HDFC इक्विटी में मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी स्कीम हो गई है, परफॉर्मेंस उसका इतना नहीं अच्छा रहा है, बट क्योंकि इन्होंने अभी 9 महीने पहले ही निवेश करना शुरू किया है तो अभी ये स्कीम चेंज ना करे तो जो है अभी इनको कंटिन्यू करते रहिए, बट आगे जाके आई थिंक अनदर 3 मंथ्स में ये रिव्यू कर सकते हैं कि कैसा हो रहा है पोर्टफोलियो। जी, एक और सवाल ले लेते हैं कि ईमेल आया है संजीव कुमार राय का, ये कहते हैं कि ये 29 इयर्स ओल्ड हैं और शुरुआत की है इन्होंने म्यूचुअल फंड में अभी ही, 1000 रुपये से एक SIP शुरू की है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में, कहते हैं कि जानना चाहते हैं क्या ये सही इन्वेस्टमेंट की है और भी करना चाहते हैं, 20 साल का इनका होराइजन है। अब ये पता नहीं हमको क्योंकि फ़ोन लाइन पर नहीं है तो कितने और पैसे लगा सकते हैं, लेकिन यही सवाल है श्वेता, इनको क्या आप राय दे पाएंगी? जी, अगर ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो इन्होंने अच्छी शुरुआत की है, निफ्टी इंडेक्स फंड जो है वो एक पैसिव फंड है, निफ्टी को ट्रैक करता है, तो जैसे निफ्टी का जो कंपोजिशन है ये वही फंड का भी है, फंड मैनेजर रिस्क इसमें नहीं है, तो वो फंड के चार्जेस भी कम है, तो लो कॉस्ट फंड भी है, बट इंडिया में अभी एक्टिव इन्वेस्टिंग में अभी स्कोप है, फंड मैनेजर्स अभी अल्फा क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि ये स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, बट क्योंकि अगर इनको और निवेश करना है तो ये एक्टिव फंड्स देख सकते हैं, अगर इनको कॉस्ट थोड़ा कम रखना है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ स्कीम्स ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इक्विटी देख सकते हैं, अगर 3 से 5 साल के लिए देख रहे हैं तो बैलेंस्ड फंड्स भी देख सकते हैं। चलते हैं मिस्टर JK समंता एक सवाल पूछने के लिए तैयार है, कैसे हैं आप समंता साहब? सर गुड इवनिंग सर, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम सर, एंड आई एम
जी कि लगता है फोन लाइन में कुछ गड़बड़ है, सुन पा रहे हैं आप? यस राहुल सर, विवेक सर। जी जी यस यस सर। आपने अपने फादर के लिए सवाल पूछा है राइट? यस सर यस सर। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए आपकी उम्र कितनी है? चलिए थोड़ा संपर्क में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन श्वेता इन्होंने बहुत एक डिटेल्ड सवाल भेजा है अपने फादर के लिए जो हाल ही में रिटायर होंगे, 31 अगस्त को गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होंगे। एक अच्छा खासा इनको रिटायरमेंट कॉर्पस मिल रहा है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने शुरू कर भी दिए हैं। 30,000 पर मंथ की है SIP, पिछले 5 साल से कर रहे हैं, 4 स्कीम्स में ICICI डायनामिक फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और HDFC टॉप 200, 3 स्कीम्स में। और एक लमसम डाला है इन्होंने ICICI प्रूडेंशियल एडवांटेज बैलेंस फंड में, और 1.2 लाख पर ईयर ये LIC में पिछले 8 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सच नहीं है, घर भी अपना ले लिया है, गाड़ी भी है। गोल बहुत साफ है इनका, कहते हैं कि अगले 10 साल में ये 3 करोड़ अर्न करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एक चीज़ जहाँ पे लिख दी इन्होंने कि ये कहाँ पे ये इसको सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर 3 या 4 अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी चुन ली हैं इन्होंने। तो JK आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, प्लीज जी। देखिए ऐसा है कि अगर आप पूरी सेफली की भी बात करेंगे तो इक्विटी में तो रिस्क तो होता ही है। इन द सेंस थोड़ा रिस्क हम ले सकते हैं, मतलब सेफली इन द सेंस जो अभी अमाउंट मिल रहा है थोड़ा, ताकि हम रिस्क ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। तो नहीं वो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए आपको अपने गोल में। लेकिन प्लीज अपने फादर को आप बधाई दीजिए कि बिफोर रिटायरमेंट भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले से शुरू कर दी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे अब तो रिटायर हो रहे हैं, अब तो हम इन्वेस्टमेंट हमें करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी उम्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ज़रूर है कि आपका जो एक्सपोजर हो, आपकी जो एसेट एलोकेशन हो, वो आपके उम्र और आपकी गोल्स के लाइन में हो। श्वेता क्या एडवाइस देंगे आप इनको अपने फादर के लिए? जी इन्होंने बताया कि इनको 3 करोड़ रुपए 10 साल बाद चाहिए, तो अगर ये जो 2 करोड़ रुपए ये पोस्ट टैक्स अगर 6% भी कमा लें तो ये 3 करोड़ तक आराम से पहुंच जाएंगे। बट इन्होंने ये भी बताया है कि सेफली चाहिए बट ग्रोथ भी चाहिए, तो मैं इनको रेकमेंड करूँगी कि थोड़ा अपना रिस्क प्रोफाइल भी असेस कर ले, रिस्क एपेटाइट ये कितना ले सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है जो ये कर सकते हैं, वरना ये क्या कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए जो इनको कैश फ्लो चाहिए वो लिख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने एसेट्स, अपने लाइबिलिटीज़, अपने इन्वेस्टमेंट्स सब इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, और अपने गोल्स भी थोड़े लिखे हैं, तो इनको अभी ये सब एक साथ लाना पड़ेगा और पोर्टफोलियो को एक जैसे देखना पड़ेगा। तो इनको अपना जो कैश फ्लो चाहिए वो भी इसमें से अगर चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि रिटायर हो रहे हैं, बट ये भी लिखा है कि इनको आगे भी कुछ काम करना है, तो वो उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इन्होंने और जो स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की है और निवेश करने के लिए, कोटक सेलेक्ट फोकस है, मोतीलाल ओसवाल फोकस मल्टी कैप 35 है, मेरे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप है, और HDFC बैलेंस्ड फंड है। सारी स्कीम्स अच्छी हैं, बट इनके पोर्टफोलियो में और इनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो इन्होंने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी है उसमें से मैं रेकमेंड करूंगी कि HDFC टॉप 200 में कंटिन्यू नहीं करे, ये उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और बिरला एडवांटेज फंड में ये डाल सकते हैं। लार्ज कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप मैं इनको अभी रेकमेंड नहीं करूँगी, मेरे भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी इनके लिए। HDFC बैलेंस्ड फंड ये देख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड फंड है नहीं। जी जी श्वेता, तो इनके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके चलिए एक ईमेल भी ले लेते हैं। अमित सैनी का एक ईमेल आया हमको, ये कहते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना चाहते हैं, कहते हैं कि 50 लाख रुपए चाहिए इनको 5 से 10 साल में, और 1.5 करोड़ चाहिए 20 से 25 साल में। कितनी SIP करनी पड़ेगी ये गोल अचीव करने के लिए?
श्वेता आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। जी अमित सैनी का एक सवाल है, वो कहते हैं कि नए निवेशक हैं, शुरू करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और 50 लाख चाहते हैं 5 से 10 साल में और 1.5 करोड़ 20 से 25 साल में, तो कितनी SIP की जरूरत पड़ेगी इनको? अगर इनको 50 लाख चाहिए तो 10 साल के लिए इनको 22,000 रुपये पर मंथ निवेश करने चाहिए और अगर 1.5 करोड़ 25 साल में चाहिए तो इनको 8,000 रुपये पर मंथ निवेश करने पड़ेंगे। इनसे ये अपने गोल पे पहुंच सकते हैं। इनके स्कीम्स जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है कोटक सेलेक्ट फोकस, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और LNT एमर्जिंग बिजनेस फंड। दो स्कीम्स मैंने थोड़ी सी अग्रेसिव चूज़ की है इनके लिए क्योंकि वो बिगनर है। एक फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप भी मैंने ऐड कर दिया जो थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव फंड है क्योंकि इनके पास टाइम होराइजन है अपनी साइड पे, तो ये उसमें उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं।